वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स, मैम प्रियंका। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में हमें पेड़ पौधों की केयर की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे फिर वो प्लांट इंडोर हो या वो प्लांट आउटडोर हो, या कोई वेजिटेबल प्लांट हो या कोई फ्लावर प्लांट हो। सारे प्लांट्स की केयर गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे फ्लावर प्लांट से मिलवाती हूँ जिसके नाम से ही उसके गुणों के बारे में पता चलता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप ये वाइट कलर के एक खूबसूरत से फ्लावर को देख रहे हैं, ये फ्लावर दिखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही अच्छी इसकी खुशबू भी है। इसका नाम ही गंधराज है, हिंदी नाम इसका गंधराज है। वैसे इसे गार्डेनिया और आनंद नाम से भी जाना जाता है और इसका कॉमन नाम जो है वो कैप जैस्मीन है। और इसकी जो पत्तियाँ होती है ये ग्रीन कलर की होती है और बहुत शाइन भी करती है। ये देखिए आप कि पत्तियाँ कितनी बढ़िया शाइन कर रही है। इस पौधे की यदि हम केयर की बात करें तो इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट तो चाहिए होती है, बट गर्मियों का यदि मौसम है और तेज धूप है तो दोपहर की धूप ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब इसमें फूल और कलियां आ रही हो तो आप उस टाइम पर इस प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर थोड़ी सनलाइट आ रही हो। जैसा कि डेमो के लिए मैंने यहाँ पर दो फूल रहने दिए हैं। कल दोपहर की धूप इस पौधे को लगी हुई थी और देखिए आप, ये जो फूल है ये धूप की वजह से जल चुका है और ऐसा येलो कलर का, लाइट येलो कलर का हो जाएगा। ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतनी ही प्यारी इसकी खुशबू भी है। और इसकी ये दिखने में भी बहुत, इसका पौधा भी बहुत बढ़िया लगता है, खूबसूरत लगता है। ये एक आउटडोर प्लांट है। इस फूल के पौधे को फूलों की खुशबू के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू ही बहुत प्यारी आती है। बहुत दूर तक की इसकी खुशबू आती है जब इसमें फूल खिलकर तैयार होता है। तो इस पौधे की एक खासियत ये भी है कि इसमें एक साथ बहुत सारा फूल खिलते हैं। जैसे अभी चार फूल यहाँ पर खिले हुए हैं और तीन कलियाँ आई हुई है। इसके इसी गुण के कारण भी इसे जाना जाता है, क्योंकि जब इकट्ठा इसमें फूल खिलता है तो ये पौधा बहुत सुंदर लगता है। और अब हम इसकी मिट्टी की बात करें तो आप इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ड रखिए, क्योंकि इसे मॉइस्चर पसंद है। गर्मियों के टाइम पर इसे सुबह शाम दोनों टाइम पानी दें, और जब भी आप इसकी सॉइल को तैयार करें तो आप 60% सॉइल और 40% कोई सा भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो या किचन वेस्ट हो, और आप इसके सॉइल मिक्सचर में रेत को ऐड ना करें, रेत को अवॉइड करें। हो सके तो आप इसमें कोकोपीट, जो कि नारियल का बूरा होता है, वो ज़रूर मिलाएं, क्योंकि उसमें पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, वो मॉइस्चर को अच्छी तरह से बनाए रखता है। और जब भी कलियां आ रही हो या फ्लावर बनने जा रहा है, फूल लग चुका है, उस टाइम पर आप इसमें ज़रूर फर्टिलाइज़र दें। कोई सा भी आप खाद डाल सकते हैं, बट खाद ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा है।
पौधे को फर्टिलाइज़र देने का एक रीज़न ये भी होता है कि यदि हम इसे फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधा जो है हेल्दी बना रहता है। इसकी जो ये कलियाँ हैं ये कलियाँ गिरती नहीं है। नहीं तो यदि हमारा पौधा यदि नाजुक कमज़ोर रहेगा तो इसकी जो कलियाँ हैं वो गिर जाएगी। इसलिए इस बात का इसमें ध्यान रखें कि कलियाँ ना गिरने पाए। और आप इस पौधे की कटिंग का भी ध्यान रखिए कि यदि कटिंग करेंगे तो नई ब्रांच निकल कर आएंगी और उसमें भी खूब सारी कलियाँ खिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये यहाँ पर अभी एक नई ब्रांच निकल कर आ रही है। और ये जो पौधा है ये अभी छोटा है, बट ये पौधे की हाइट भी 2-2.5 फिट ऊँची जाती है। उस टाइम पर इसमें बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।